स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। इस वक्त मैं चाय में आया हूं। आपको पता है, आपके बीते दिनों में मैंने जो खबर दिखाया था कि राजा को किस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया था। हम लोग रूम में थे, मतलब सुबह जा रहे थे ड्यूटी के, तो सब बुलाया, बोला किधर, तो हल्ला चिल्ला होने लगा, बोला फांसी लगा दे, मतलब मार के लटका दिया। तो हम लोग दौड़ते हुए गए, देखे तो पेड़ में मार के लटका दिया। तो आपने जब वहाँ पे गया तो आपको क्या लगा था कि फांसी जो लगा है? फांसी नहीं लगा था, कोई मार के लटकाया था। मार के लटकाया था। तो उनकी बॉडी में जो क्या क्या चोट नजर आया आपको? चोट बदन में लगा है और पूरा घिसाया था। घिसाया होता। तो ये घटना कितने बजे हुई थी? घटना वही 8:30 8:30 तो आपको किसने बताया कि वो वही सब सिक्योरिटी गार्ड है ना, और जो कंपनी में रहते वही लोग बताए। तो कंपनी में एक सिक्योरिटी गार्ड है, फिर भी ये घटना हो जाती है, तो इस पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे कुछ बोला नहीं क्या? हाँ, कंपनी वाला कुछ तो नहीं बोला। हम लोग कुछ भी नहीं बोले, वो डेड बॉडी लाने का था इसके लिए, तो अभी यहाँ से जो होगा करवाइएगा। तो वो जो ये जो घटना हुई है राजा को, तो आपके वहाँ पे थे, तो आपको किस पे शक लग रहा था वहाँ पे? शक है एक दो आदमी उस पे। क्या नाम उसको, खुल के बोलिए। अभी है वही का है, नाम तो नहीं मालूम है। यानी कि वहीं के निवासी? हाँ, है वहीं के निवासी है। नासिक का? हाँ, नासिक का ही। अरे, राजा जो कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी का क्या नाम था? बैक जोन। कंपनी क्या क्या मदद की वहाँ पे जब ऐसी घटना हुई थी? वही खाली पासमार्टम करवाया और एम्बुलेंस के भाड़ा दिया, बस और कुछ नहीं। बस वही किया, बस और कुछ। मुआवजा के लिए कुछ बात हुआ उनसे? बोला घर पे जाओ फिर बात करते हैं, अब आने के बाद फिर। आप लोग सबको कितने लोग लेकर आए एम्बुलेंस में? 4 आदमी लेकर। आने में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें? प्रॉब्लम तो बहुत हुई, छोटा एम्बुलेंस से हम लोग को दिक्कत हुआ आने में, क्या करें, घर वाला तो लाना पड़ता ना, जैसे भी है लाए। वो काम जो है पोस्टमार्टम के लिए या कंपनी पे दबाव बनाकर सबको यहाँ भेजा गया? हाँ, एक दो आदमी कॉल किया था, वो आदमी तो सर है और मालूम तो नहीं है, सब कॉल किया था, ये लोग बताए, बात किया तो लोग को बात कराया, तो लोग दबाव दिया, तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ से पता चले उपेंद्र दास जो है काफ़ी अहम रोल रहा उनका बॉडी को लाने के लिए, कंपनी पे दबाव बनाकर हर मुहिम जो उनको होता है वो सारा हर अपंदेट आए। क्या कैसा लगा आपको उनका? ठीक है सर, अच्छा, वो बहुत मदद किया मेरे। नाम था उनका? उपेंद्र दास। क्या रोल रहा उनका? हमारे झाझा के जो गौरव सिंह राठौर है उनका भी अहम रोल रहा, जो शुरू से लेकर अब तक 11 या 12 बज रहे रात और अभी तक वो बैठे हुए हैं ऐसे, अभी जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी यहाँ के ग्रामीणों हो या कहीं हर जगह सहयोग उनका रहता। तो कैसा लग रहा आपको गौरव सिंह राठौर जी के कितना सहयोग रहा उनका? सहयोग तो ठीक है, किया गया सहयोग, अच्छा है, करना भी चाहिए, हम लोग को बहुत हेल्प किया लाने के लिए, उसके लिए थैंक यू उसके लिए। जो हम लोग जो है से बात में, मतलब अभी एक सामने जो है से ऐसा ऐसा घटना हो गया, इसके बीच में जो है से उसको भी मुआवजा चाहिए और गरीब को रोजगार चाहिए। ऐसे में जो निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उनके लिए क्या कानूनी कार्रवाई की कर होनी चाहिए? कानून कार्रवाई ये होना चाहिए जो कि उसको जो है से मुआवजा हकबर मिलना चाहिए, और इसलिए उसके पीछे लड़का बच्चा सब चीज है, उसको जो है से परवस्ती कैसे जाए। बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बिहार सरकार आग्रह करते हैं कि ये ध्यान दिया जाए, इस केस को आगे बढ़ाया जाए और वहाँ का सरकार से बात किया जाए। ऐसी जो घटना बार बार होती है बिहारियों के साथ में? हाँ, ये बिहारियों के साथ घटना होता है, नहीं होनी चाहिए जी। क्यों हुआ नहीं हुआ इसमें जाँच कर। चाय में जो घटना हुई राजा के साथ में, क्या मांग करते हैं आप? बस वही मांग करते हैं कि जैसा इसके साथ हुआ उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। आप क्या मांग करना चाहते हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, आप क्या मांग करना चाहते हैं? वो सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। बिहार सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बिहार की सरकार से मांग करते हैं रोजगार मिल जाए, यही इस तरह से होता है। आइए हमारे साथ में और भी है, क्या मांग करना चाहते हैं आप? दोषियों को सजा मिले और इन्हें मुआवजा मिले। मुआवजा, क्या नाम होता था आपका? अनवर जी, क्या मांग करना चाहते सरकार से?
सरकार जो कह रहा है सब ठीक है, बोल रहा है सब।